हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पैदा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर बुलबुल ब्लॉग एंड योगा पे। मैं हो चुकी हूँ रेडी। हम कहाँ जा रहे हैं? मंदिर। कौन से? देखते हैं अभी कौन सा मंदिर देखते हैं। अभी दो मंदिर सोचे हैं, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। और आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएँ। अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और अभी हम लोग हो चुके हैं रेडी, गोकुल जी भी हो चुके हैं रेडी। ये देखिए, निकलते हैं हम मंदिर की ओर। आज मैंने साड़ी पहनी और गोकुल जी ने मेरे को साड़ी पहनाई। साड़ी पहनते पहनते हालत ये बात क्या क्या करना साड़ी पहनते पहनते हालत खराब हो गई। अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, ठीक है? तब तक बने रहे आप हमारे साथ ऐसी ही। हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, देख सकते हैं आप हमको। और आज का मौसम देखिए, एकदम मस्त खिलती हुई धूप जो दिख रही है हमें, एकदम मस्त धूप आ रखी है। और मेरा पिछोड़ा बार बार खिसक जा रहा नीचे को। दुकान पे, क्योंकि मेरे पास ना तांबे का लोटा नहीं था, मतलब पानी चढ़ाने के लिए, तो वैसे भी चाहिए था घर के लिए। तो उसी बहाने मंदिर में भी जाएंगे तो वहाँ भी चाहिए होता है, तो गोकुल जी लोटा ही लेने गए हैं। और अभी मिलते हैं, अभी देखते हैं। अभी हमने दो मंदिर सोचे हैं और देखते हैं भी कौन से मंदिर हम जा पाते हैं। सामान लेके आ चुके हैं और ये लाए हैं लोटा, और इसमें है बेर। ये देखिए, ये इतने सारे बेर और इसमें पिठियाँ, अगरबत्ती, धूप, बतासे वगैरह हैं। ये देखिए यहाँ के सुंदर से खेत, एकदम मस्त और सीढ़ीदार खेत यहाँ। ये देखिए, अभी हम कहाँ पहुँचे? जंगल चट्टी। आदि बद्री 12 किलोमीटर और हम लोग जा रहे हैं आदि बद्री। यहाँ से 12 किलोमीटर है और ऊपर खेत देख सकते हैं, एकदम शानदार खेत दिख रहे हैं, सीढ़ीदार। और यहाँ पर एकदम मस्त व्यू दिख रहा है, पहाड़ी ऊँची ऊँची दिख रही है यहाँ की। ये देखिए, और मौसम एकदम मस्त हो रखा है, धूप आ रखी है एकदम खिलती हुई। ये देखिए, और यहाँ देखिए रोड, ये हाईवे, हाईवे है ना बद्रीनाथ। अच्छा, एकदम मस्त रोड दिख रही है यहाँ से। आज सुबह से पेट खाली है ना, खाया नहीं है तो इसलिए पेट। पार जो देख रहे हैं ना, हाँ ये पार हमें। अच्छा, इधर चांदपुर पार्क है वो। चांदपुर परगना क्या है, यहाँ कुछ है? गढ़वाल के जो राजा थे ना, पवार वंश के। अच्छा, पवार वंश की स्थापना ही पार वाले गांव में हुई थी। अच्छा, यहाँ। अच्छा, जैसे कुमाऊं में चंद्र वंश है, चंद्र वंश की स्थापना हुई थी चंपावत में, ऐसे गढ़वाल का जो पवार वंश है उसकी वो स्थापना हुई थी पार गाँव में। अच्छा, अच्छा। और यहाँ के जंगल देख सकते, एकदम घने, एकदम बांस के जंगल है। मालसी पहुंच चुके हैं अभी हम, और यहाँ की रोड भी काफी पतली है, सिंगल रोड है एकदम। आजकल
13 तारीख से विधानसभा सत्र होने वाला है मार्च में। गेट यहाँ से अंदर को जाने वाला है। लोटे में पानी भर लिया है, ये देखिए। अभी हम पहुँच चुके हैं आदि बद्री। यहाँ पर हम शिव जी को जल चढ़ाएंगे और ये छोटा सा मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। केदारनाथ के रूप में पूजा जाता है यहाँ पे। बुलबुल यहीं पे लाइन में लगी हुई है। अब मैं भी यहीं पे मंदिर में जाऊँगा। तभी हम लोग जल जल चला के आ चुके हैं और भी और बाकी मंदिरों के दर्शन भी कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है, जैसे राम और लक्ष्मण सीता मैया का भी मंदिर है, गणेश भगवान जी काली मैया का भी मंदिर है और सारे मंदिर भी। अभी हम आपको धीरे धीरे दर्शन कराएंगे। यहाँ पर ना ये जो मंदिर दिख रहे हैं आपको, इनका निर्माण आदिगुरु शंकराचार्य ने 8वीं-9वीं शताब्दी में कराया था। उस समय ये 16 मंदिरों का समूह हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये केवल 14 ही मंदिर समूह रह गए हैं। कहा जाता है कि भगवान बद्रीनाथ, जो बद्रीनाथ में पूजे जाते हैं, वहाँ पूजने से पहले यहाँ पूजना पड़ता है उनको। प्रथम उनकी पूजन यही होता है। देख सकते हैं अभी हम पहुँचे हैं आदि बद्री। हमने जल वगैरह सब चढ़ा लिया है। और ये कौन सा मंदिर है दिखने? अच्छा, ये हनुमान जी मंदिर है। और ये इधर गौरी शंकर मंदिर है, ये वाला गौरी शंकर मंदिर है। और ये मेन मंदिर यहाँ पर है ये। और बाकी छोटे मोटे मंदिर, बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं। और देखिए कितने सुंदर और अच्छा लग रहे हैं, मतलब कितने प्यारे लग रहे हैं। ये है विष्णु मंदिर, यहाँ पर लिखा भी है। ये मेन मंदिर है यहाँ पर का। और ये चक्र क्या लिखा है, चक्रभान मंदिर, ये है चक्रभान जी का मंदिर। और उधर लक्ष्मी नारायण मंदिर है। और इधर ये सत्य नारायण मंदिर है, ये लिखा भी है, देख सकते हैं आप। और काफ़ी सुंदर है। और यहाँ पर की ये देखिए कलाकारी कौन है? अच्छा, ये अन्नपूर्णा मंदिर है, ये वाला अन्नपूर्णा मंदिर है। और देख सकते हैं काफ़ी सुंदर मंदिर है ये। ये कुबेर मंदिर है, ये वाला कुबेर मंदिर है। यहाँ लिखा है ना, इस साइड से लिखा है कुबेर मंदिर, देखो। तो इसमें मूर्ति क्यों नहीं है? मुझे क्या पता, मैं बताता हूँ इसमें मूर्ति क्यों नहीं है। हाँ, 1995 में कुबेर मंदिर से मूर्ति चोरी हो गई थी। चोरी कर दी? हाँ, क्यों? चोरों ने 1995 में इस मंदिर से मूर्ति चोरी कर दी थी। अच्छा, क्योंकि भगवान कुबेर धन के स्वामी माने जाते हैं, इसलिए चोर उन्हीं को उठा के ले गए अपने साथ। पता नहीं चला, ऐसा माना जाता है। अच्छा, अभी कितनी कहानी सत्य है कितनी झूठ है ये पता नहीं, पर ऐसा माना जाता है। इस टाइप से यहाँ पर इस टाइप से मंदिर है ना, ये भी मंदिर होगा ना कुछ। और ये देखिए यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में ना ये चीज़ देखने को बहुत मिलती है, मतलब ये पहले की कलाकारी है ना, अब तो कहाँ है ऐसी कलाकारी ना। ये देखो यहाँ पर शिवलिंग वगैरह भी रखे हुए हैं। और ये डिज़ाइन इस टाइप से डिज़ाइन वगैरह भी है। ये देखिए मंदिर यहाँ से, आदि बद्री का मंदिर, काफ़ी सुंदर मंदिर है। और पीपल का पेड़ है ना, काफ़ी अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। ये देखिए यहाँ पर भी, देखिए इनमें भी ना कुछ कलाकारी है, पर पता नहीं चला, लेकिन है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये देखिए ये कुछ शेर वगैरह पता नहीं क्या है, लेकिन है कुछ है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। पूजा डेली सुबह में सिंगार 5 बजे, दोपहर में भोग लगन साहब, हम एक महीना होने बाबू जी कपाट बंद, जैसे कपाट बंद होना ना, एक महीना पूष मास 16 दिसंबर बंद होना, 14 जनवरी बने ना मकर संक्रांति, वो दिन कपाट।
नौ लिखा थी वो सामने गरुड़ जी हर मंदिर को बराबर में नौ लिखे हो गरुड़ जी अन्नपूर्णा लक्ष्मी भीड़ होने लगी मंदिर में। अब यहाँ पर लोग आने लगे हैं मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए मंदिर काफ़ी अच्छा लगा मेरे को और मंदिर के दर्शन करके काफ़ी खुशी हुई। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो चुकी है मंदिर में। अभी मैं रोड पे आ चुकी हूँ और यहाँ से देख सकते हैं मंदिर मेन रोड पे ही है। ये देखिए मंदिर। अभी हम लोग मंदिर से आ चुके हैं दर्शन करके हम वापसी पे चल रहे हैं मंदिर की ओर। कैसा लगा आपको मंदिर? अच्छा है। मैं तो कई टाइम आया हूँ पर मैं यहाँ से दो तीन चक्कर चले गई थी तो मैं सोचती थी कब आऊँगी यहाँ। तो आज हम पहुँच चुके हैं मंदिर। अब लग चुके भूख खाते हैं पेड़ पेड़ ना गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है। कैसा लगा आपको मंदिर? मंदिर मस्त था मंदिर है? मजा आ गया। जो बद्रीनाथ नहीं जा सकता यहाँ दर्शन कर लें। सेम मंदिर है? सेम मंदिर है। फल एक ही मिलता है, एक ही फल मिलता है यहाँ और वहाँ। क्योंकि ना बद्रीनाथ में दर्शन करने से पहले यहाँ दर्शन करने अनिवार्य होते। वैसे बद्रीनाथ दर्शन करने से पहले यहाँ करना जरूरी होता है? वो पंडित जी भी तो बोले थे ना। पहला जो दर्शन होता है ना वो यही होता है आदि बद्री में, क्योंकि सबसे पहले यही है आदि बद्री। अच्छा। ऐसा भी माना जाता है ना कि सतयुग द्वापर युग और त्रेता युग में भगवान बद्रीनाथ यही रहते थे। बहुत अच्छा है। आटागाल नदी के किनारे स्थित है ये मंदिर, काफी अच्छा है। अब मंदिर में भीड़ भी बहुत थी। जिस टाइम हम आए थे ना उस टाइम मंदिर में भीड़ नहीं थी। जब ने जल चलाया उसके बाद भीड़ होने लगी थी। बद्रीनाथ दर्शन करने से पहले यहाँ आए, यहाँ दर्शन करें फिर बद्रीनाथ जाएं। कुमाऊं वालों के लिए तो अच्छा है ना, जब हल्द्वानी से इधर आते हैं तो रास्ते में ही आदि बद्री पड़ेगा। ओके बोल रहे थे केदारनाथ जी भी तो कुछ बोल रहे थे। पहले केदारनाथ में जल चढ़ाना पड़ता ना। हाँ, क्योंकि बद्रीनाथ तो भगवान विष्णु का है ना, विष्णु को जल नहीं चढ़ता, वो तो केदारनाथ वो भगवान शिव को चढ़ता है। तो इसलिए पंडित जी बोल रहे थे जहाँ पर विष्णु जी का मंदिर है उसके जस्ट बगल में ही शिव जी का मंदिर है उसको केदारनाथ मंदिर बोला जाता है। हाँ, उसको केदारनाथ मंदिर बोला जाता है। पहले विष्णु जी के दर्शन करने से पहले केदारनाथ जी में जल चढ़ाना पड़ता है, उसके बाद विष्णु जी के दर्शन होते हैं। ऐसे तो बोले थे पंडित जी। और काफी अच्छा लगा मंदिर घूम के और काफी मजा भी आया। अब मेरे को लग चुकी है भूख, मैं फटाफट से बेर खाती हूँ। व्रत है नहीं आज आपका? अभी तक तो व्रत है, घर जाके देखते हैं। अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से जहाँ पर मैं हमेशा योगा करती थी ना, आज मैंने वहाँ पर रील बनाई है। अगर आपको मेरी रील देखनी हो तो यूट्यूब में जाके बुलबुल ब्लॉग एंड योगा पे जाके मेरी रील देख सकते हैं। और अभी मैं यहाँ पर का नज़ारा दिखा रही हूँ मैं आपको रास्ते का, देखें और मज़ा लें इन वादियों का। हैं मज़ा लें, मज़ा मस्त लग रहा ना, इन वादियों का मज़ा लें आप थोड़ी देर के लिए। बस हम पहुँचने वाले हैं तब तक के लिए। अभी तो हम पहुँच भी जाते हैं। ये बुलबुल है ना, इसने देर करा दी। कितनी देर कराई? आधा घंटे से ज्यादा। तो रील भी तो बनानी जरूरी थी ना। रील बनाई, फोटो खींची, अभी तक तो हम घर पहुंच जाते। घर पहुंच जाते। और इधर क्या है, चाय का बागान है ना। चाय का बागान, यहाँ भी आएंगे एक दिन, पक्का आएंगे। टी स्टेट एक दिन आएंगे यहाँ भी घूमने आएंगे। आज यहाँ गैरसैंण के मार्केट में भी काफ़ी भीड़ हो रखी है, देख सकते हैं सब लोग मंदिर नीचे। यहाँ पर गैरसैंण के नीचे एक मंदिर है, कौन सा है, शिवालिक ना, शिवालय मंदिर है। तो सब लोग वहीं जा रहे हैं, देखिए सब वहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी भीड़ हो चुकी है रोड में लोगों की। ये देखिए भीड़ है काफ़ी मंदिर में जाने के लिए। इधर का दबा दो। यहाँ पर ना एक दिक्कत है कि वन वे है और पूरा जाम लग जाता है तो गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाता है यहाँ से। मैं तो अब सीख गया ना इसलिए निकाल दिया। आप तो सीख गए ना इसलिए।
जो नहीं सीखा है, जो नहीं सीखा क्या मतलब, वैसे भी तो जाम तो लग जाता ना, एक को पीछे जाना पड़ता है, अगर भी ट्रक आता तब बैक करनी पड़ती गाड़ी आपको। अभी हम यहाँ पर से बड़े मुश्किल से निकले और अब सीधे निकलते हैं ऊपर को अपने घर की ओर, बस पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ा सा ही बचा है। मैं अर्गुकुल जी घर पहुँच चुके हैं और गाड़ी में तो गर्म हो रहा था ना, लेकिन रूम में आके ना ठंडा लग रही है, ठंड में इतना मीठा क्या खाते हो रहे? प्रसाद हो, प्रसाद मना नहीं करते हैं, डायबिटीज जाएगा। नहीं नहीं प्रसाद इतना मीठा पूरे रास्ते भर गाड़ी में भी मीठा मीठा खाने में, मैंने कहा बियर खा लो, नहीं बियर नहीं खाना है लेकिन मीठा खाना है, प्रसाद हो मंदिर का प्रसाद। चलो फिर अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी मेरे को बहुत काम करना है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो मेरा सामान और मेरा मेकअप बॉक्स ऐसे खुला है अभी तक, और ये देखिए यहाँ बिस्तर में भी कपड़े पड़े हैं, ये देखिए आप बड़े चमक रहे हो, गोरे दिख रहे हो, क्या बात सच्ची में अच्छा लग रहा है। हेलो दगड़ियों, अभी बज चुके हैं शाम के 5:30 में, 5:30 हो चुके हैं और आज घूमने नहीं गई मैं, और सारा सामान फैला हुआ था तो मैंने उसको समेटा और उसके बाद मैंने कपड़े धोए आज, ये देखो मैंने कपड़े धोए, मतलब मंदिर से आई तो तुरंत कपड़े धोए, और आज का मौसम देख सकते हैं धूप चले गई है और नीचे रोड पे ना भी। और आज मैं बना रही हूँ आलू के गुटके और तौड़ सगरगंजी, पता है कितने रुपए किलो हो रहे हैं, 80 रुपए किलो हो रहे हैं, और तौड़ हो रहे हैं आपके 150 रुपए किलो हो रहे हैं, तो काफ़ी महंगा है, तो मैंने सिर्फ तौड़ लेके आई हूँ, अभी आधा लेके आई, आधा के जी, तो तौड़ बनाते हैं और अभी मिलते थोड़ी देर में, पहले मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ आज, फिर मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में।